गलत आ रही हूँ। हिमाचल प्रदेश वेलकम करता है यहाँ से, सोलन यहाँ से रह जाता है 42 किलोमीटर और शिमला रह जाता है 89। वैसे देखो पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है, कितनी ज़्यादा ही लैंडस्लाइड हो रखी है, देख रहे हो। ये है जी शिमला का बस स्टैंड। हाँ जी भाई, इस बड़े नु राम राम, छोटे नु प्यार, हाजिर हैं तुहाडे सामने फिर तो एक बार। मैं आपका जतिन और आप देख रहे हो जतिन सचदेवा व्लॉग चैनल। मैं हूँ इस समय मोहाली, तो मैं निकला हूँ दिल्ली से शिमला घूमने के लिए रात को। पहले पार्ट में आप देख सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर स्टोरीज अपडेट कर रखी हैं मैंने। तो इस समय मोहाली से अब बाइक वगैरह बिल्कुल रेडी है, बाकी जो और दो तीन बंदों ने जाना है वो भी आ जाएं, फिर चलेंगे। गुड मॉर्निंग, तैयारी सर, तैयारी तैयारी हो जाना है पहाड़ों पे। जो बाइक राइड का मजा है ना, वो प्लेन रास्तों पे नहीं है। अब मोहाली तक तो प्लेन रास्ता था, अब यहाँ से पहाड़ चालू होंगे तो आज मज़ा आएगा। तो चलो चलते हैं, फिर आगे रास्ते में मिलते हैं। हाँ जी गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो निकल चुका हूँ जो दोस्त के घर पर रात को रुके थे मोहाली में, ये सेक्टर 125 के आसपास है। अब बाकी मैंने उनके घर पे वीडियो बनाई नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी के घर पे वीडियो बनाओ, प्राइवेसी हर किसी की होती है ना। अभी इस समय मीटर रीडिंग है 16703, कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया होगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा होगा कल कितने किलोमीटर चली है बाइक। तो अब मोहाली से निकले हैं, ये खुला डुल्ला दोनों तरफ खेत हैं, ठंडी हवा है इस समय, सूर्य देवता भी निकल आए हैं सामने, देख सकते हो। तो आज का अपना क्या टारगेट है, पहाड़ों पे जाना है, शिमला या शिमला से आगे नारकंडा है वहाँ तक जाएंगे, देखते हैं कैसा रहता है। ये एक और राइडर मिल चुके हैं हमें, ये दिल्ली की बाइक जिनकी है पल्सर। तो आगे जहाँ रुकेंगे वहाँ पे सबकी इंट्रोडक्शन करवाऊँगा, अभी तो चलते हैं। वो एक और आगे वो सामने, तो इस समय अपने पास एक पल्सर 220, एक बजाज अवेंजर 220 और एक ये रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 है। अब चलते हैं पहाड़ों में। इस समय कल दिल्ली से यहाँ तक जो पिछले पार्ट में आपने देखा, दिल्ली से मोहाली तक, उससे भी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है पहाड़ों पर राइड करने की। तो ये खेतों में से शायद कोई शॉर्टकट पता है इनको, इतनी जल्दी हम पहाड़ों में पहुंच जाएंगे ना शिमला तक, उतना ही हमारे लिए अच्छा है, गर्मी नहीं लगेगी। बाकी आज 5 बजे उठ गए थे सुबह और इस समय बज रहे हैं 6:15। 32:15 नालागढ़ 29, शिमला 123 और चंडीगढ़ के लिए ये ऊपर फ्लाईओवर चला जाता है, हमने ये बद्दी होते हुए जाना है वहाँ झंडे वाली, हंसते हुए ली जाना, हंसते खेलते हुए जा रहे हैं, हंसते खेलते हुए ही वापस आए और पीछे भी सब हंसते खेलते हुए ही रहें। अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे पहाड़ चालू हो जाएंगे और फिर नज़ारे ही नज़ारे, तो बने रहो वीडियो में। तो ये बद्दी की तरफ से ये कोई लेक आई है, तो ये गाइस मेन बाजार है पिंजौर का, पिंजौर गार्डन आपने नाम सुना होगा, चंडीगढ़ के पास है। तो ये पूरा बाजार है दोनों तरफ, अभी खुला नहीं है प्रॉपरली। रुके हैं, एक ये बाइक है, एक पल्सर अपनी वहाँ खड़ी है। तो हमने इधर से जाना है शिमला की तरफ, इंट्रो करवा दूं। क्या हाल है सर? सत श्री अकाल जी। की नाम है अपना? अमन। की हाल है पाजी? बाजी वधिया। की नाम है अपना? मलकीत सिंह। तो ये लो जी, हिमाचल प्रदेश वेलकम करता है यहाँ से, सोलन यहाँ से रह जाता है 42 किलोमीटर और शिमला रह जाता है 89। वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। तो लो जी, दर्शन कर लो पहाड़ों के। ये मेरे ख्याल से सामने परवानू ही है, एक जगह है यहाँ पे, पुराना हाईवे कालका से जो होते हुए आ रहा है वो भी मिल जाता है और ये वाला हाईवे भी मिल जाता है परवानू पे। ये आ गया वो टोल।
बाइक्स का मेरे ख्याल से नहीं है, नहीं है जी बाइक्स का कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई टोल नहीं देना, कुछ नहीं करना, अपना बस चलते जाओ, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो जतिन सचदेव व्लॉग्स की वीडियो देख लो। तो ये परवाणू जगह है और सोलन डिस्ट्रिक्ट लग जाती है यहाँ से। तो सोलन रह गए यहाँ से 5 किलोमीटर बस। भाई साहब ठंड लग रही है, धूप है लेकिन बाइक पे हवा लग रही है ना, तो ठंड लग रही है, ठंड की वजह से प्रेशर बन गया एक नंबर का। सोलन तक तो ये पूरा 4 लेन हाईवे है, आगे आगे देखते हैं क्या चले है जी सोलन। ये सागर रत्ना वगैरह सब बना हुआ है यहाँ, तो यहाँ पे धूप के रिफ्लेक्शन पड़ रही है ना, तो आपको पता नहीं कितना दिख रहा है कि नहीं, ये सारा सोलन है। ये है पूरा, ये बस स्टॉप है सोलन का राइट साइड में। ठंड है असि तो सोच रहे थे सोलन तक गर्मी होगी। तो अब ये पेट्रोल पंप पे रुके हैं सोलन के, इस बाइक का पोल्यूशन नहीं था, पोल्यूशन करवा रहे हैं। बाकी तीनों बाइक है वो खड़ी। ते और पाजी आ रहे हैं मजा? बस बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, ट्रैफिक है नहीं, मौसम ठंडा हो गया है, आगे आगे वो ठंडा है। तो हाँ जी निकल पड़े हैं वहाँ से पेट्रोल पंप से, पोल्यूशन करवा लिया उस बाइक का, और जो नेचर कॉल करनी थी वो भी कर ली। अब अपना आगे ही रुकेंगे 15-20 मिनट बाद। बाकी जो भी कहो, पहाड़ों में बाइक चलाने का जो मजा है ना, ओ भाई मज़ा शहरों में नहीं है। ये जो कालका से शिमला ट्रेन चलती है ना, टॉय ट्रेन, ये देखो पटरी देखो कितनी छोटी है। दिल्ली से ट्रेन से भी आ सकते हो कालका तक, कालका से फिर आगे आप ये छोटी ट्रेन ले सकते हो शिमला तक। कहते हैं बहुत बढ़िया है, मैं आज तक आया नहीं इस पर, आऊँगा किसी टाइम, इस पर भी आऊँगा। तो ये गाइस कंडा घाट, ये लिखा हुआ कंडा घाट ब्रांच। देखो गाइस नज़ारे, पूरा यहाँ से वैली व्यू आ रहा है, और ये क्लब महिंद्रा का कंडा घाट पे बना हुआ है। क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट होते हैं ना, बहुत से लोग इसकी मेंबरशिप लेते हैं, तो वो यहाँ पे रुकते हैं कंडा घाट। सोलन से लेकर कंडा घाट तक थोड़ा ही कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो रोड थोड़ा ऐसे ही उबड़ खाबड़ है, कि बाइक चलाने का एक नंबर मज़ा आ रहा है, एक नंबर। देखो पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है, कितनी ज़्यादा ही लैंडस्लाइड हो रखी है, देख रहे हो, देखो ये पत्थर गिरे हुए उस तरफ, तभी इन्होंने एक ही रोड चालू कर रखा है। ये देखो ये पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है, देख रहे हो पूरा उधर का रोड ही भरा हुआ है, ये पूरे कच्चे रोड, कच्चे पहाड़ हैं ये। तो यहाँ रुक रहे हैं नाश्ता करने, वैसे तो एक एक परौंठी खा आया था मैं पाजी के साथ ही उनके घर से, लेकिन वो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था, ये ब्रेकफास्ट है। यहाँ पे रुके हैं, नाम मैं आपको नीचे जाके पढ़वा देता हूँ, अब यहाँ पे नाश्ता करते हैं फिर चलेंगे आगे। अब तो ये है दिल्ली गेट रेस्टोरेंट, होटल दिल्ली गेट, यहाँ रुके थे। ये खड़े अपने रथ, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो निकल लिए हैं यहाँ से दिल्ली गेट ढाबा से, अब चलते हैं, अब सीधा कोशिश है शिमले लगा दें, ज़्यादा नहीं रह गया, 25-30 किलोमीटर रह गया। अब ये दो भाई होगी, बाइक इंटरचेंज होगी है, वो पल्सर पे आ गए, वो अवेंजर पे। कौन ऊंचा ऊंचा लग रहा है? ये भी भाई पंजाब से आए हैं, ये एक बाइक पे दो हैं, ऐसे ना अनकंफर्टेबल हो जाता है, एक बाइक पे एक ही बंदा होना चाहिए। ये देखो सामान साइड पे टंगा हुआ है, और पीछे बैठे वाले को पूछो, चलाने वाले को कम थकावट हो रही होगी, पीछे बैठने वाले को ज़्यादा थकावट हो रही होगी, एक बाइक पे एक ठीक है, जैसे हमारा ग्रुप चल रहा है।
तो इस समय भी धूप निकली हुई है लेकिन हवा जो है ठंडी है, तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही, बिल्कुल भी। ये देखो ये ट्रेन की वो टनल बनी हुई, जो टॉय ट्रेन जाती है ना कालका शिमला, वो इधर से टनलों में से जाती है, तो वही कहते हैं काफ़ी टनल्स आती हैं उस ट्रेन से अगर आप ट्रैवल करोगे तो। तो दिल्ली से टैंक फुल करवा के चला था, वही चले जा रहा है, अभी तक रिजर्व भी नहीं लगा, देखते हैं कहाँ तक चलता है रिजर्व, कहाँ पे लगेगा। तो ये बोर्ड है कुफरी 43, नारकंडा 90 किलोमीटर है। ये कौन सा शहर है, शोगी है, शोगी, ये शोगी का बाजार है जी, देख लो। तो ये लिखा हुआ जी नारकंडा, इधर नीचे 80 किलोमीटर। अब हमारे साथी पता नहीं इधर ही आए हैं या कहीं और चले गए। ये है जी शिमला का बस स्टैंड, वॉल्वो नॉर्मल बसेज ऐसी सब यहीं पे आती हैं। टाइम हो रहा है 10:10। ओहो रिजर्व भी लग गया, शिमला के बस स्टैंड पे आके रिजर्व लग गया। बाइक वालों की मौज है, इतना आगे ले जाओ ऐसे, शायद से पुलिस चेकिंग है शायद। ये देखो ये वॉल्वो खड़ी, लो जी शिमला का भी जाम देखो, वीकेंड है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे पूरा जाम है देखो। मैम नारकंडा के लिए, ओहो आप गलत आ रहे हो, ये ऊपर जाना था, ऊपर जाके ना वहां से सीधा आगे निकलना, टनल भी आएगी आगे कोई, हां संजौली टनल आएगी। अच्छा मंदिर क्रॉस करके, अच्छा यहां से ऊपर जाना है ना, हां ठोक तक, ठीक है ओके जी थैंक यू। लंबा है यहाँ से, वो बाकी साथी ही वहीं खड़े हैं ना। तो मैं रास्ता गलत आ गया, नीचे यहाँ ऊपर जाना है, चलो कोई नहीं। तो शिमला घुस गया मेरे को लग रहा है। नारकंडा के लिए भाई सीधा ही, मेरे को बहुत लंबा रास्ता है। अच्छा वापस जाना है, आप अगर यहां से, मेरे साथी जो है ना टनल पार करके खड़े हैं, टनल पार करके, हाँ तो ये आपको डायरेक्ट टनल के पार ही पहुंचाएगी। वो भाई लोग आगे खड़े होके वेट कर रहे हैं, उनका रेस्ट हो गया प्रॉपर। आधा घंटा तो हो ही गया मेरे को घूमते घुमाते। जाम देखो ना, इतना भयंकर जाम लगा हुआ है शिमला में, पूछो मत। अगर यही होती गाड़ी तो वैसे ही खड़े ही रहो साइड पे, बहुत ही ज़्यादा जाम है, देख रहे हो कितने लंबे लंबे जाम लगे हुए हैं। एक बारी वो भाई मिल जाएं, फिर अपना पानी वानी पीते हैं और फिर पेट्रोल पंप पे इसको भी पिलाते हैं ज़रा, इसका भी पेट भरें। और ये गुरुद्वारा है, जय हो सतनाम श्री वाहेगुरु, जय हो। पूरा कमर्शियल हो चुका है ना, पहाड़ों पे देखो कितना लोड पड़ गया है, बड़े बड़े होटल घर, पूरा शिमला तो जी पूरा ही कमर्शियल हो चुका है। शिमला क्रॉस कर रहा हूँ और ये टनल का काम हो रहा है, ये वाली टनल पार करके खड़े हैं वो, ये वाली टनल उधर से भी बन रही है, डबल हो जाएगा ना टनल शिमला टनल में। देखो लोग तो पूरा वॉक भी कर रहे हैं साथ के साथ, ज़्यादा बड़ी नहीं है टनल, 700-800 मीटर की टनल होगी ये। तो ये टनल पार करके आ गए, अब देखते हैं। शिमला से नारकंडा जाओगे ना तो ये व्यू पॉइंट बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, रश देख रहे हो यहाँ पे हर कोई रुकता है, लेकिन अब अपने साथी रुके हुए हैं यहाँ पे कि नहीं पता नहीं।
तो ये है जी व्यू पॉइंट, यहाँ का व्यू चेक करो। तो वो अभी मेरे से पीछे ही हैं, वो मतलब दूसरे रास्ते से आए हैं, मैं दूसरे रास्ते से आया हूँ, तो वो अभी मेरे पीछे ही हैं। मेरे को लग रहा था मैं पीछे रह रहा हूँ, अब वो आ रहे हैं, तब तक लोकेशन भेजी है, जब तक वो आते हैं तब तक ये काम कर लिया जाए। बड़ी जोर की आ रहा है, वो आ गए भाई लोग, ये आ गए। तुसी केड़े रस्ते तो आए हो? मैं तो पता नहीं शिमला के अंदर वड़ गया, मॉल रोड तक पहुंच गया। कोई नहीं, अभी आराम कर ले। अभी काफी आराम कर। फिर पूछ के आया भाई, उधर पीछे 15 मिनट के लिए खड़े रहे, 10 मिनट के लिए का पहले। अच्छा चलिए, हां चलो, बाकी दूजा वा वो निकल गया आगे, वो आगे चलो फिर, वो आगे खड़ी है भाई। तो अब आए हैं भाई लोग, अब एक भाई तो और आगे है, ये दो भाई मेरा वेट कर रहे थे पीछे, अब चलते हैं, अब निकलेंगे। इधर ये याक्स, याक कहते हैं ना इसे, याक भी खड़े करे हुए हैं। 100 रुपया फोटो, 200 रुपया फोटो, ऐसे चार्जेस मांगते हैं ये खड़े याक। टाइम हो रहा है देखो 11:23 और ठंड लग रही है और दिल्ली में लोग झुलस रहे होंगे। ये वाला रास्ता जो जा रहा है राइट में, जहाँ ये गाड़ियाँ मुड़ रही हैं, ये चला जाता है कुफरी को वाला रास्ता लगा ना, हमने इधर जाना है ठियोग रामपुर की तरफ। तो ये आ गया जी पेट्रोल पंप, शुक्र है रब दा आया पेट्रोल पंप, टेंशन हो गई थी। तो चलो जी, पेट्रोल भी डल गया, टेंशन फ्री। 1208 रुपये का पेट्रोल आया। ये जी थियोग करके जगह आई है, थियोग THEOG, ये भी भाई लोग हरियाणा से आए हुए हैं बुलेट पे, तो आते हैं आने वाले ना, काफ़ी आते हैं बाइकों पे। तो ये बोर्ड है नारकंडा है 33 किलोमीटर। ये देखो हिमाचल का हाल देखो, यहाँ पे भी इतनी लोकल गाड़ियाँ हो गई हैं, ये देखो ऐसे ऐसे पार्किंग लगने लग गई हैं अब यहाँ पे भी, ये सारी HP की खड़ी हैं गाड़ियाँ, ये सारी HP की गाड़ी है, नंबर प्लेट देख सकते हो आप। इधर ये HP की खड़ी, मतलब पहाड़ों का भी अब बुरा हाल होता जा रहा है। शिमला में क्यों जाम है, इसी वजह से तो जाम है, सड़कें छोटी हैं, लोकल ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गया गाड़ियाँ, और टूरिस्ट तो है ही है। आगे आने वाले और 5-10 सालों में पहाड़ी इलाकों में भी जाम लगा करेगा चांदनी चौक की तरह, चिंता मत करो। और जाम यहाँ पे लगता है तो कहाँ, गलियों में तो वाड़ नहीं सकता, गलियाँ हैं ही नहीं, कहाँ जाओगे नीचे खाई में या इधर पहाड़ में घुसोगे। ये देखो गाइस, यहाँ से वैली व्यू देखो पूरा दिख रहा होगा आपको, है ना मज़ेदार नज़ारे। और इधर पहाड़ देखो ऊँचे ऊँचे, मस्त एकदम। ये देखो कैसे ये फार्मिंग हो रखी है, नेट लगा रखे हैं, सेब के पेड़ हैं या फिर लीची के हैं। देखो कुफरी के बाद कहा था ना ट्रैफिक कम होगा, तो ऐसे खाली सड़कें नज़र आ रही हैं। पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता था नारकंडा क्या है, लोग आते थे शिमला कुफरी चलो वापस, अब लोग आगे भी जाने लग गए हैं, स्पीति वैली, चिटकुल, रेकोंगपियो। नारकंडा के लिए आपको वॉल्वो नहीं मिलेगी, आपको लोकल बसेस में ही आना पड़ेगा, शिमला तक आप वॉल्वो से आ सकते हो। अगर आपने नेचर का मज़ा लेना है ना, मौसम का मज़ा लेना है, तो शिमला मत जाओ, मैं तो कहूँगा शिमला से आगे आओ। नारकंडा हो गया, रेकोंगपियो हो गया, चिटकुल हो गया, इस जगह आओ। शिमला बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल हो गया, वो तो ऐसे लगता है कनॉट प्लेस में घूम रहे हो आप, है ना। बहुत से हिल स्टेशन घूमा हूँ, बट सबसे बढ़िया जो मॉल रोड है शिमला का, अगर मॉल रोड देखना है तो शिमला से बढ़िया कोई डेस्टिनेशन नहीं हो सकती। और वैसे नेचर देखनी है, शांति चाहिए, शांति कोई आपकी पड़ोसन नहीं मतलब पीस चाहिए, तो आप कुफरी से आ गया हो। ये आ गया नारकंडा, ये पूरा नारकंडा है। भाई लोग यहाँ खड़े हैं, ये है नारकंडा का मेन चौराया,
ये जो मंदिर दिख रहा है ना आपको, ये मेन चौराहा है नारकंडा का। अब इधर होटल देखना है, ये बस स्टैंड है। अगर आप बाय बस आओगे तो ऐसे बस यहाँ पे उतारती है, ये बस स्टैंड है यहाँ का नारकंडा का। तो अब नारकंडा पहुँच गए हैं, वो दो भाई लोग गए हैं होटल लेने और हम दो पी रहे हैं चाय, ये चाय दी चुस्की। हाँ जी, तो यहाँ से चाय और पैटी खा ली है और चाय पी ली है, अब चलते हैं रूम ले लिए उन्होंने, अब चलते हैं रूम में, थोड़ी देर लेटेंगे सोएंगे। यहाँ रुके थे ज्योति स्वीट्स। तो ये है जी रूम, लाइट तो ये मतलब एक तरह से दो रूम हो गए कंबाइन, एक एक के साथ दो बाथरूम दो बेडरूम, और ये व्यू है। हाँ जी गाइस, तो इस समय शाम के 5 बज रहे हैं, आके हम कमरा लेके सो गए थे, उठे फिर लंच करा, अब निकल रहे हैं, अब घूमते हैं नारकंडा के पास, एक हाटू पीक है वहाँ जाएंगे, लेकिन वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा, ये पार्ट लंबा हो गया, यहीं एंड कर देता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो नहीं कर रखा पेज तो फॉलो कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी नई वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी, बाय बाय, जय हिंद, रब रखा।